नंबर होता है, ओके, वो कौन सा बिंदु? 20 है, 1 स्पेस में 0 है, सो 20 इज डिविजिबल बाय 10, ओके, 10 टू द 20, सपोज नंबर है 4000, 1 स्पेस में क्या है, 0 है, सो 4000 इज डिविजिबल बाय 10, सपोज नंबर है 12340, 1 स्पेस में क्या है, 0 है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10, दैट इज सिंपल, आपने डिवीजन भी करके देखा तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा, ये टोटल डिविजिबल होते हैं 10 से, कौन सा नंबर, जिनके 1 स्पेस पे 0, जिनके 1 स्पेस पे 0, सपोज 15,70,000, 50 है, तो भी क्या देखना है, नंबर नहीं देखना है, 1 स्पेस देखना है, 1 स्पेस पे 0 है, मतलब टोटल नंबर 10 से डिविजिबल है, ओके, ये है 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, ओके, नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट इन इट्स 1 स्पेस इज 0, ओके, अब देखो नेक्स्ट, ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37, यहाँ पे देखो 9 की, 10 की
और 11 की, ये तीनों डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको 2-2 टाइम्स राइट करनी है आपकी नोटबुक में और आपको प्रॉपरली लर्न करनी। स्टूडेंट मैं आपके लिए बहुत स्लो जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपरली वो कंसेप्ट समझनी चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देखना है और लर्निंग प्रॉपरली करना है, क्योंकि कुछ नहीं है वन डे में फिफ्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये स्टडी कुछ नहीं, तो आपको ये लर्न ही लर्न होनी चाहिए। ओके, और कल जैसा आपने किया था 2-2 एग्जांपल्स, अगर आपको प्रॉपरली आता है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ये रीडिंग और राइटिंग मस्ट है, साथ में लर्निंग भी। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है? नंबर दिया है यहाँ पे 1232, सो डिविजिबल बाय, अब 2 से ये डिविजिबल है क्या? यस, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 2 है, वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। 3 से ये डिविजिबल है क्या? नॉट डिविजिबल। वाई? क्योंकि इसके डिजिट्स की 1+2+3+2 की जो एडिशन है वो 8 है, और 8 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स ये नॉट डिविजिबल है। ओके, 4 से डिविजिबल है क्या? यस, क्योंकि ये लास्ट के जो 2 नंबर्स है 32, सिंस 32 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, देन 5 से डिविजिबल है क्या? नॉट डिविजिबल। वाई? बिकॉज इसके यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे 0 या 5 नहीं है, सिंस द डिजिट इन इट्स वंस प्लेस इज नेदर 5 और नॉर 0। ओके, देन 9 से डिविजिबल है क्या? नॉट डिविजिबल। अगर 3 से नहीं है तो 9 से भी नहीं होगा, सेम डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है? देन 10 से है क्या? नॉट डिविजिबल। वाई? बिकॉज इसके वंस प्लेस पे 0 नहीं है, है ना? द डिजिट इन इट्स वंस प्लेस इज नॉट 0। ओके, ये नंबर 11 से डिविजिबल है क्या? डिविजिबल, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स 1+3-2+2=0। यस, 11 से है डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इसकी जो अल्टरनेट डिजिट्स है 1+3 कितना हुआ 4, है ना, एंड 2+2 कितने हुआ 4, उनके बीच का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो वो क्या आता है? 0। सो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है स्टूडेंट? If the difference between the sum of alternate digits of the number is 0 or 11, तो यहाँ पे 0 आया है, 0 नहीं तो 11 difference आता है, तो वो number totally 11 से divisible होता है। ओके, सो नाउ what about the divisibility test for 6? तो 6 के divisibility test means क्या? A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. 6 के डिविजिबल टेस्ट आप तो बोलेंगे वो तो हुई नहीं टीचर, तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अगर कोई भी नंबर 2 या 3 दोनों नंबर से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होता है, ये आपको चेक करना है। यस, ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नॉट डिविजिबल है, 1232, इसलिए 6 से भी नॉट डिविजिबल है। दोनों नंबर से डिविजिबल आना चाहिए तब भी वो 6 से डिविजिबल आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी आप लिख लो आपकी नोटबुक में कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट is divisible by both 2 and 3. Okay, from the above rules it is clear that 1232 is divisible by 2 but not by 3, that's why it is not divisible by 6. Okay, ab yahan pe niche ek example diya hai, replace hash in 2703 के आगे क्या है, हैश बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट सच दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। आपको ऐसा नंबर फॉर्म करना है जो डिविजिबल बाय 3 हो। वी नो दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 से ये नंबर कब डिविजिबल होगा? जब ये डिजिट से इनकी सम क्या होगी? 3 का मल्टीपल होगी, है ना, 3 का, इसका जो एडिशन आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर हम 7+2 करते हैं तो 9 होते हैं, 9+3 करते हैं तो कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो 12 भी क्या है? यस, 3 से डिविजिबल है, सो विच इज मल्टीपल ऑफ 3, सो वी कैन राइट हैश एज 0, हेंस द नंबर इज 2730। तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे 2 आता तो, अगर 11 आता यहाँ पे टोटल सम, तो फिर 1 ऐड करना पड़ता। ओके, ऐसा है वो एग्जाम्पल, ठीक है? तो अब आपको आज क्या करना है, ये 9, 10, 11 और ये जो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये प्रॉपरली राइट करनी है 2-2 टाइम, साथ में लर्न भी करनी स्टूडेंट्स। ओके, चल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।